वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे एक फिश जिसको कहते हैं शॉरपोटी। इसके लिए जो साधन हमको चाहिए, जो सामग्री की हमको आवश्यकता है, वो है शॉरपोटी फिश। ये इस तरह से मार्केट में आपको मिलता है, पोटी फिश का ही एक प्रकार है ये। इसको आप अच्छे से धो के वॉश कर ले बहुत अच्छे से, उसका पूरा जो ऊपर का स्किन है वो सब निकाल लें, साफ करके धो के रख लें। सरसों का तेल, भाटा ऐसे टुकड़े में कटे हुए, यानी कि ब्रिंजल जो बैगन होता है वो, इसके साथ आपको चाहिए बड़ी, छोटे छोटे ऐसे बड़ी चाहिए आपको, हरी मिर्च चाहिए, चाहिए आपको हल्दी और काला जीरा यानी कि कलौंजी जिसको बोलते हैं, और नमक। इसके चलिए सबसे पहले आप कढ़ाई बैठा लें और उसमें डाल लें सरसों का तेल। जब तक तेल गर्म होगा तब तक हम लोग जो ये पोटी फिश है इसमें नमक और हल्दी मिला के इसको मैरिनेट कर लेंगे। आप मछली ले लें और इसमें डाल लें आप हल्दी, और साथ में डालें नमक। और इसको आप अच्छे से कोट कर लें। इसको कोट करके रखें। आप देख सकते हैं तेल गरम हो गई है। अब हम लोग वो नमक हल्दी लगा हुआ जो फिश है उसके अंदर डाल लेंगे। अब दोनों तरफ पलटा पलटा के हम लोग अच्छे से लाल करके इसको फ्राई करके निकालेंगे। और एक तरफ का अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम लोग इसको दूसरी तरफ के लिए पलटा देंगे। और दूसरी तरफ भी बिल्कुल आप देख सकते हैं ऐसे ही लाल फ्राई कर लेंगे। और इसी बीच हम लोग जो हरी मिर्च हम लोगों ने रखा हुआ था उसको ऐसे बीच से चीरा लगा लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं इसी तरह से हम लोग को बाकी जो फिश है उसको भी इसी तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं सारे मछली हमारी फ्राई हो गई है। अब हम लोग इसका आगे का प्रोसेस जो है वो करेंगे। मछलियों को निकाल लें। अब उसी तेल में ही हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा कोई ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं। जो बड़ी हम लोगों ने रखा हुआ था वो बड़ी को हम लोग इसी तेल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बड़ी को बस सुनहरा होने तक का फ्राई करें और फिर निकाल लें।
अब हम लोग इन बड़ियों को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा लाल ये हो गया है, मतलब ये फ्राई हो चुकी है, तो हम लोग इसको अब निकाल लेंगे। देख सकते हैं हमारी सारी बढ़िया फ्राई हो गई है। अब हम लोग उसी तेल पे डालेंगे कड़ायत, यानी कि कलौंजी जो होती है, काला जीरा वही, और साथ ही साथ हम लोग डाल देंगे कुछ स्लिट किए हुए हरी मिर्च। और साथ ही साथ डाल देंगे जो भाटा हम लोगों ने काट के रखा हुआ था वो भाटा, और फिर उसको अच्छे से मिला देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा भाटा को इधर उधर पलटा लेंगे, और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे नमक, और साथ ही साथ हम लोग डाल देंगे हल्दी। नमक और हल्दी डाल के भाटा को एक बार फिर से उल्टा पलटा कर लेंगे, और साथ ही साथ जो हरी मिर्च हम लोगों ने काट के रखा हुआ था, स्लिट कर करके रखा है, वो तो सारे हरी मिर्च हम इसलिए डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। दो एक बार इसको इधर उधर पलटा लेंगे, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम लोग भाटा को। अब इसमें हम लोग डाल देंगे पानी, और इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। अब देख सकते हैं अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम लोग जो मछली फ्राई करके रखे हुए थे वो सब इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही साथ हम ये डाल देंगे जो बड़ी हम लोगों ने फ्राई करके रखी हुई है वो बड़ी, और साथ ही साथ आप डालें कच्चा सरसों का तेल ऊपर से। और अब इसको आप होने दीजिए, ढक दीजिए करीब, जब तक वो भाटा जो है वो अच्छे से नरम नहीं पड़ जाते, ये सारे अच्छे से जो करी है वो अच्छे से फिश पे और बड़ी में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो जाती, तब तक इसको आप ढक के पकने के लिए छोड़ें। देखिए ये बन के तैयार है, देख सकते हैं आप, बड़ी भी अच्छा सा नरम पड़ गया है, तो मतलब ये बन के तैयार है। आप चाहें तो एक भाटा को दबा के देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर भाटा पक गया है तो मतलब आपका जो सब्जी है वो बन के तैयार है, फिश कड़ी बन के आपकी तैयार है। आप देख सकते हैं ये देखिए भाटा बिल्कुल नरम पड़ गया है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे और परोस लेंगे। लीजिए बन के तैयार है आपकी फिश बड़ी और बैंगन के साथ। आप इसको घर में बनाएं और बताएं कैसा बना है। गरम चावल के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।